पीआरटीसी पनवस कच्चे मुलाजमां वल्लों लगातार पक्का करन दी मंग रखदे होए पंजाब सरकार दे सामने गुहार लगाई जा रही है। कई बार उस प्रदर्शन कीते जा चुके ने, कई चेतावनियां भी दित्तियां जा चुकियां ने, पर अज तक भी पंजाब सरकार वल्लों इस मसले दा कोई भी ठोस हल नहीं कीता गया। एक बार फिर तो पंजाब दे कच्चे मुलाजमां वल्लों पंजाब सरकार नूं 27 दे 27 डिपुआं ते मुकम्मल हड़ताल कीते जाण दी चेतावनी दित्ती गई है। दस दईए कि अज बठिंडा दे बस स्टैंड ते पीआरटीसी पनवस ठेका मुलाजमां वल्लों गेट रैली की गई है। इस गेट रैली जरिए ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नूं चेतावनी देंदे हुए दिखाई दिते ने। उन्हां आखिया कि कैबिनेट मीटिंग दे विच मुलाजमां दा हल करवाउण दा वादा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग वल्लों कीता गया सी, अते जेकर इह वादा पूरा ना कीता गया तां उन्हां वल्लों मुकम्मल तौर ते हड़ताल कीती जावेगी। दस दईए कि इस तों पहलां वी बस मुलाजमां वल्लों 23 नवंबर नूं हड़ताल ते बैठण दी चेतावनी दित्ती गई सी, पर मुलाजमां दा कहना है कि उस तों पहलां ही 22 नवंबर नूं ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग वल्लों उन्हां नूं कैबिनेट मीटिंग दे विच उन्हां दा हल करन दा आश्वासन दिता गया सी, अते जिस करके उन्हां वल्लों अपना ए प्रोग्राम रद्द कर दिता गया। पर जेकर हुणे वादा पूरा नहीं हुंदा तां पीआरटीसी अते पनवस वल्लों 27 डिपुआं ते मुकम्मल तौर ते हड़ताल कीती जावेगी। मेरा नाम संदीप सिंह है जी, मैं पीआरटीसी पनवस कंट्रैक्ट वर्कर यूनियन बठिंडा तो डिपू प्रधान है। हां जी, अज दी गेट रैली कीती जा रही, की गल है? अज जी साडी गेट रैली कीती जा रही है, इहदा कारण इही है वी जिहड़ी साडी 23 तरीक नूं हड़ताल दा प्रोग्राम असीं रख लिखिया होया सी, उस तों पहलां 22 तरीक नूं साडी ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग साहब नाल मीटिंग होई है। उन्हां ने भरोसा दित्ता सी वी आउण वाली 29 तरीक वाली कैबिनेट दी मीटिंग दे विच तुहाडा हल कढ़िया जाऊगा। सिर्फ सरकार नूं जागरूक करन वास्ते, दसण वास्ते ही वी जेकर साडा हल कढ़िया जांदा है ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਏ ਵਾਰੀ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਂਡੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।